अग्रदानंद, उम्र 9 साल, शान दिल्ली। आज मैं आपको मोदी जी के हर घर तिरंगा कैंपेन पे कुछ सुनाना चाहता हूँ। आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर पे तिरंगा लहराएं। सबसे प्यारा तिरंगा हमारा, हर घर पे लहराए तिरंगा हमारा। जब जब जो का हवा का आता है, भारत के हर घर पर तिरंगा लहराता है। लहरा लो तिरंगा हर घर पे प्यारे, मना लो अमृत का आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं नीरू सहगल, सोशलिस्ट। आज मैं यहाँ पर नेशनल अकाली दल की तरफ से नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग की तरफ से यहाँ आई हूँ। नेशनल अकाली दल की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पर है। आज हम हर घर तिरंगा जो मुहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, मोदी जी ने, आज हम उसी के लिए यहाँ से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। और आज ये संकल्प लेकर यहाँ से निकलेंगे कि हर घर तिरंगा, हमें ये मुहिम को घर घर तक पहुँचाना है। और आज पम्मा जी के लिए एक बड़ी ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि पम्मा जी जो भी कार्य करते हैं वो एक मुहिम की तरह शुरू हो जाता है और पूरी दिल्ली, क्या पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में उसका हमने प्रचार करना है। और बस हर घर में तिरंगा हो, ऐसा हमारा अरमान है। हमारा देश का झंडा ही हमारे अमन की पहचान है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की। नमस्कार, मैं नीरू सहगल, सोशलिस्ट, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नई दिशाएं एंड वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स। और मैं नेशनल अकाली दल की तरफ से आज यहाँ आई हूँ, उनकी टीम की मैं नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज यहाँ बहुत ही अच्छा हम लोग एक ये हर घर तिरंगा मुहिम शुरू कर रहे हैं। और मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, जैसे कि परमजीत सिंह पम्मा जी इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, कि हमें हर घर में तिरंगा लहराना है। और हमारे जो ये बहुत बड़े शहीद हैं हमारे देश के जो हुए, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं और यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इन तीनों को शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए, यही मांग करने के लिए नेशनल अकाली दल की पूरी टीम यहाँ मौजूद हुई है। आज मैं, नीरू सहगल, जागृत आनंद, अमित आनंद और मधु शर्मा जी इसी मुहिम को आगे चलाने आए हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगी जागृत आनंद कुछ कहें। आज मैं मोदी जी से एक स्पेशल अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, जैसे कि आज़ाद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। जय हिंद। आज मैं अकाली दल की ओर से महिला विंग की नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आज जंतर मंतर पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो घर घर तिरंगे का जो हमने बीड़ा उठाया है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा लगवाने का ये कहा, ऐलान किया है, उसे हम लोग और ज़्यादा प्रचार और प्रसारित करना चाह रहे हैं। और जो हमारे शहीद, जिनके कारण आज हमें ये आज़ादी मिली है, जिन क्रांतिकारियों के कारण हमें आज़ादी मिली है, उन्हें शहीदी का दर्जा देना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के अपील करते हैं मोदी जी को कि इनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। जय हिंद।